सयाना में गेहूं की तोल बंद हो जाने से अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसानों की तैयारी का बांध टूट गया। उन्होंने तोल केंद्र पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया। हफ्तों से टोकन लिए अपनी बारी के इंतजार में लाइन लगाए खड़े किसानों का आक्रोश उस समय भड़क गया जब उन्हें तोल बंद हो जाने का फरमान मिला। आक्रोशित किसानों ने प्रशासन से पहले तोल प्रारंभ कराए जाने की गुहार लगाई। सुनवाई नहीं होने पर गुरुवार को समाधान की समय सीमा निश्चित कर शुक्रवार से आंदोलन का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया। शुक्रवार को समाधान नहीं निकलने से आक्रोशित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तोल केंद्र पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बुलंदशहर से संवाददाता बंटी कुमार। नहीं तोला जा रहा, क्या क्या परेशानी आपके सामने आ रही है? आपने धरना प्रदर्शन इतने बार कर लिया, उसका कोई फल आपको नहीं मिल रहा, क्या आप चाहते हैं? अब क्या आप आगे करेंगे? कोई रणनीति आपने बनाई है? किसान इस टाइम इतना परेशान है। मैं भी भारतीय किसान यूनियन का सयाना ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर वीर सिंह गढ़ियावाल से रहने वाला हूँ। आज की डेट में जो किसान परेशान है, जो यहाँ 15-15-20 दिन यहाँ 27 दिन एक आदमी को हो गए हैं, जिनके ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं तुल पाई है, और बीच बीच में इन्होंने जो है 100 क्विंटल 100 कल भी 100